Genie was an album that took months to do, and we were staying in this studio. We were living in the studio for 2 months, and beyond a point, I'm not so sure it worked with people like us. You know, you can't sit and compose inside a studio after a point. मैंने इसमें किया था फास्ट ले में भी अपन को करना चाहिए. इसमें कोई आप कंपोज अपन कर सकते हैं सॉन्ग भी. जस्ट फिनिश वीएमबीज पार्ट अमित ये तो सिंगर. हमने ना पिछले साल एक शो किया था जिसमें हमने कुछ फोक म्यूजिशियंस के साथ संथाली ट्राइब के जो लोग हैं उनके साथ एक शो किया था. तो उन्होंने हमारे साथ अपने दो गाने गाए थे. उनमें से जो एक गाना था उसकी एक जो ट्यून थी ना हमें बहुत अच्छी लगी थी. तो हमने पार्टली वो ट्यून पंडित विश्व मोहन भट्ट के गाने में यूज़ करी. फिर उस ट्यून को तोड़ के 2-3 ट्यून और बनाए. इंडियन ओशन एक ऐसा बैंड है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ और इसके जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. बहुत जिंदा दिल है मैं कहूँगा. वो खत्म होगा कि वो ये वो संथाली ट्यून दो बार फिर से गाएंगे. फिर इसका थोड़ा गिटार टेक ऑफ है. देन ही विल गिव टू यू. पंडित जी में बाट लगी. पंडित जी मूड में आ गए. कहते हैं आइए करके उन्होंने बजाना शुरू किया. बहुत मज़ा आया. ये बड़े आर्टिस्टों की यही बात होती है कि जहाँ भी देखते हैं कि यार कोई चलो जो थोड़ा बहुत ये ले सकता है इसको दे दो. बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. एक और पार्ट बीच में बनना चाहिए पंडित जी के फास्ट सोलो के बाद. देयर शुड बी समथिंग एल्स. कहीं जाके ठहर जाए जहां गाना थोड़ा सा
वो एक जगह की मिसिंग है, खाली है। भट साहब इज द वन वेयर वी हैड एब्सोल्युटली जीरो आइडिया व्हेन ही वॉक्ड इन, व्हाट इज इट दैट वी वुड डू, एंड वी एक्चुअली ट्राइड आउट वेरियस थिंग्स एंड इट्स ओनली बाय 5 or 6 आवर्स गोइंग बाय दैट वी फाउंड समथिंग दैट माइट वर्क. I like the way your guitar came out of that thing. Immediately, yeah. Immediately. Let just the guitar come out. It was truly a collaborative effort because he came up with the line. You know, he came up with his part and we played around him. And we came up with our part and he played around that. It was a different sort of a song. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो मेरे हुए उसमें मैंने बहुत कम समय दिया और उनके साथ इंटरेक्ट करने का समय भी बहुत कम रहा मेरे लिए, लेकिन इंडियन ओशन के साथ में मैं टाइम दे रहा हूँ. उनके साथ में थोड़ा उठना बैठना हो रहा है, चाय पानी हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. टाइम भी मैं दे रहा हूँ पूरा, और उनके साथ थोड़ा अलग टाइप का वो हो रहा है, मोर इंटरेक्शन, मोर इंटरेक्टिव सेशन. But Saab threw a supposer that I don't play with the click track. I don't play with the metronome. And we know that if Bhatt Saab's final jhala can be insanely fast. So this was a live recording. साथ में मैंने जो अभी कोलैबोरेट किया उसमें मुझे खुद ही अंदर से मजा आ रहा है, और आई फील कि कुछ वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, एंड उनके साथ में कोलैबोरेट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आई कैन प्ले विद देम टू माय बेस्ट.